हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। तो ये ए से एफ तक पार्ट दे रखे हैं, इनको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है 20/3। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे इस साइड पे। तो 20 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। क्योंकि 21 20 से ज़्यादा हो जा रहे, बड़े हो जा रहे, तो इसलिए इसको हम 3 6 जा 18 करेंगे। सो 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 20 - 18 2 रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे ये जो 6 आया ये है क्वोशेंट और यहाँ पे 2 है रिमाइंडर। ठीक है बेटा, तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 3 डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर में ही आएगा। ये जो क्वोशेंट है उसको हम यहाँ आगे लिखेंगे, होल पार्ट बनेगा ये, और ये जो रिमाइंडर है ये न्यूमिनेटर में आएगा फ्रैक्शन के। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन बन गया 6 and 2/3, तो इसमें 6 जो है होल पार्ट है और 2/3 फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल पार्ट भी होगा और एक फ्रैक्शन भी होगा, जैसे यहाँ पे बन गया 6 and 2/3। तो आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में, बी पार्ट में हमें दे रखा है 11/5। तो यहाँ पे 11 को 5 से डिवाइड करना है। जब 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो क्योंकि 15 11 से बड़ा हो जा रहा तो 2 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 यहाँ लिखेंगे। 11 में से जब 10 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा 1 बच जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए सबसे पहले जो 5 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे इसको, और ये जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट हमारा होल पार्ट बनता है तो इसको फ्रैक्शन के आगे लिख देंगे ऐसे करके, और ये जो रिमाइंडर है इसको न्यूमिरेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा जो कि आया हमारे पास 2 and 1/5, 2 whole and 1/5 एज फ्रैक्शन। तो 2 and 1/5 ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में हमें दे रखा है 17/7। तब 17 को 7 से डिवाइड करना है, तो 17 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। क्योंकि 21 17 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से जाएगा ये, 7 2 जा 14, तो 14 यहाँ पे आएंगे। जब 17 में 14 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 3 बच गया। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं क्योंकि हम 7 से डिवाइड कर रहे थे तो 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये होल पार्ट बनेगा तो ये फ्रैक्शन के आगे आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर बनेगा फ्रैक्शन का, तो ये इसको यहाँ पे आगे लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया 2 and 3/7 और 2 whole 3/7 एज फ्रैक्शन। इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया 2 and 3/7। अब डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में हमें दे रखा था 28/5। तो अब 28 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 28 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में हमारे पास 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 आ जाए। क्योंकि 30 28 से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो ये 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25 और 25 जब 28 में से माइनस होंगे तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो इसमें क्वोशेंट 5 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो सबसे पहले जिसे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और ये जो क्वोशेंट है 5 उसको आगे लिखेंगे होल पार्ट में, और ये जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा 5 and 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह से इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं उनको भी करते हैं। ई पार्ट में हमें दे रखा है 19/6। तो अब 19 को 6 से डिवाइड करना है तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जा रहा है 19 से, तो ये 3 से जाएगा, तो 6 3 जा 18, तो 18 यहाँ लिखेंगे। अब 19 - 18 किया तो रिमाइंडर 1 आ गया और क्वेश्चन 3 आया। अब जब हम मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो ये जो क्वेश्चन था उसको सबसे आगे लिखेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो ये बन गया 3 and 1/6 हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। अब इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स 35/3।
नाइन। तो 35/9, अब 35 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 हो जाएंगे, क्योंकि 36 35 से ज़्यादा है तो 3 से जाएगा, 9 3 जा 27। तो जब 35 में से 27 माइनस करेंगे तो 8 आएगा हमारे पास रिमाइंडर, और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। और जब मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो क्वेश्चन को सबसे आगे लिखते हैं, क्वेश्चन आएगा, फिर ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे थे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 and 8/9। तो ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 and 8/9 बन जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व कर लिया है।